हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रैक्टिस सेट 25 ऑफ आवर 1000 वकैब सीरीज़। एंड इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अभी तक आपने मुझे अन अकेडमी पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मुझे अन अकेडमी पर जाकर फॉलो कर लीजिए। वहाँ मैंने अभी आपके लिए स्टार्ट कर दिया है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस स्टार्ट कर दिए हैं। 1000 प्लस ईडियम एंड फ्रेजेस मैं आपको कराने वाली हूँ। ये सारे प्रीवियस ईयर के भी इसमें हम कवर करेंगे, तो प्लीज़ जाइए मुझे अन अकेडमी पर जाके फॉलो कीजिए। वहाँ पर बिल्कुल फ्री है, कोई आपको कुछ पे नहीं करना है वहाँ पे पढ़ने के लिए। ग्रामर प्लस वोकैब दोनों सेशन मैंने स्टार्ट किए हैं, तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप ही लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो पहले मुझे अपनी फैमिली से, आप सब लोगों से ही सपोर्ट चाहिए, तो आप जाइए वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिए। और मैं इतनी मेहनत से वीडियोज़ बना रही हूँ, उनको ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्ड के साथ आज। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 25 है, इससे पहले 24 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं हमने, वो भी नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहला वर्ड है हमारा इगैलिटेरियन, एंड इसकी PDF भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन मतलब समानतावाद, समानता मतलब सब कोई जहाँ पर समान हो वहाँ उसी को बोलते हैं समानतावाद, यानी सब में सबको समान अधिकार दिए जाएँ, समानतावाद। दैट इज़ डेमोक्रेट, जैसे कि इंडिया का एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर हर किसी को क्या समान अधिकार होता है, वही होता है डेमोक्रेट। तो ट्रिक देखते हैं इसकी, ये गली, ये यहाँ पे गली आपको दिख नहीं होगा तो मैंने आपको बताया, तो गली, ये गली तेरी नहीं हम सबकी है, इस पर समान अधिकार है। ये जो गली है, जैसे कि हम जहाँ मोहल्ले में जिस कॉलोनी में रहते हैं उन सब में गलियाँ होती हैं, वो ऐसा तो नहीं है जो मेरी हो या किसी हो, वो गली जिस उस गली में जो जो लोग रहते हैं, जो जो फैमिली रहती है, उन सबकी वो गली होती है। क्योंकि वो क्या, वो उस गली पर सभी का अधिकार है, समान अधिकार है। तो हम इसको याद ऐसे ही करेंगे कि ये गली तेरी नहीं, सब इस पर सबका समान अधिकार है, क्योंकि इगैलिटेरियन मतलब समानतावाद, यानी समान अधिकार। नेक्स्ट वन इज़ रेंट। रेंट का मतलब होता है चिल्लाना, दैट इज़ येल। तो रेंट को हम याद रखेंगे रेंट से, रेंट यानी जो किराया हम उसको बोलते हैं, वो वाला रेंट। तुम रेंट नहीं दोगे तो लैंडलॉर्ड चिल्लाएगा ही। अगर तुम रेंट नहीं दोगे अपने लैंडलॉर्ड को, जिसके घर में तुम रहते हो, जो तुम्हारा मकान मालिक है, इसका रूम तुमने ले रखा है, अगर तुम उसको रेंट नहीं दोगे यानी किराया नहीं दोगे, तो वो क्या करेगा, तुम पर रेंट करेगा, तुम पर चिल्लाएगा। ओके, तो आप रेंट को रेंट से कनेक्ट करके याद रख सकते हो, अगर आप नहीं दोगे रेंट तो आपको करेगा मकान मालिक क्या, रेंट यानी चिल्लाएगा आपके ऊपर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पल्क्रीट्यूड, इट मीन्स शारीरिक सुंदरता, दैट इज़ ब्यूटी। तो इसकी देखते ट्रिक, पलक की एटीट्यूड उसकी शारीरिक सुंदरता से भी सुंदर है। पलक नाम की एक लड़की है जो मेरे घर के साइड में रहती है, उसका जो एटीट्यूड है ना, उसकी सुंदरता से भी ज़्यादा क्या है, सुंदर है। तो पलक का एटीट्यूड क्या है, बहुत ही पल्क्रीट्यूड यानी क्या है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटी है। तो आप इसको याद रख सकते हो कि पलक का एटीट्यूड उसकी शारीरिक सुंदरता भी सुंदर है। तो पल्क्रीट्यूड को आप रखना पलक से याद, पल्क्रीट्यूड मतलब शारीरिक सुंदरता। नेक्स्ट वन इज़ कैलमी, इट मीन्स निंदा, बदनामी, स्लेंडर करना। कालू की मम्मी मेरी निंदा करती है, जो कालू की मम्मी है वो क्या करती है, मेरी कैलमनी यानी हमेशा मेरी निंदा करती रहती है। कालू की मम्मी हमेशा मेरी कैलमनी करती है, मेरी निंदा करती है। तो आप कैलमनी को याद रखोगे कालू की मम्मी से, कालू की मम्मी मेरी निंदा करती है। नेक्स्ट देखते हैं, पोस्थ्यूमस यानी मरणोपरांत, यानी आफ्टर डेथ, उसको हम बोलते हैं पोस्थ्यूमस। तो पोस्ट हमसे नहीं हो पाया वो कुवारेपन पत्र हमने मर जाने के बाद भी, ये पता नहीं क्या ट्रिक दी हुई है, लेकिन मैं आपको याद बताऊँ, आपको पोस्थ्यूमस को आप याद रखना पोस्टमार्टम से। पोस्ट का मतलब होता है, पोस्टमार्टम का क्या मतलब होता है, जब मर जाते हैं उसी के बाद तो पोस्टमार्टम किया जाता है, तब पोस्थ्यूमस को याद रखना कि जब पोस्थ्यूमस यानी आफ्टर डेथ के बाद हमारा पोस्टमार्टम किया जाता है। हमारा पोस्टमार्टम कब होता है, पोस्थ्यूमस के बाद यानी आफ्टर डेथ, यानी डेथ के बाद हमारा पोस्थ्यूमस यानी पोस्टमार्टम होता है। इसमें थोड़े ब्लर आ रहे हैं तो इसके आप टेंशन मत लीजिएगा, मैंने PDF जो लिंक दिया है उसमें आपको बिल्कुल क्लियर मिलेगा, तो उसमें थोड़ा ब्लर हो गया है। प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस का मतलब होता है असंगत, बेतुका, आउटरेजियस जिसको हम बोलते हैं।
तो इसको याद करने की ट्रिक है, प्री में पास होने से पहले पोस्टर में नाम छपवाना असंगत है। कि जैसे कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपने अभी प्री का पेपर दिया नहीं, आपने पूरे में हल्ला मचा दिया और पोस्टर लगवा दिए बड़े बड़े कि मैं तो प्री में पास हो जाऊँगा, मैं तो मेंस में पास हो जाऊँगा, तो वो क्या है, आपने पोस्टर लगवा दिए प्री से पहले क्या, तो वो क्या लगेगा, बहुत ही प्रीपोस्टियस लगेगा, बहुत ही बेतुका लगेगा वो चीज़। तो प्री और पोस्टर इससे मिला के बना प्रीपोस्टर। ओके, तो आप इसको याद रखना, प्री मतलब पहले, पोस्टर मतलब पोस्टर। तो अगर मैं पहले से पोस्टर लगवा दूंगा तो बहुत ही प्रीपोस्टरस लगेगा, यानी बहुत ही बेतुका लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं पोडियम। पोडियम का मतलब होता है मंच, रोस्ट्रम। जैसे कि बहुत सारी जगह मंच लगे होते हैं, जैसे कि पूरे स्टेडियम में मंच ही मंच, यानी पोडियम ही पोडियम है। तो पोडियम का आप कैसे याद रखोगे, पूरे स्टेडियम में क्या है, पोडियम यानी स्टेडियम, पोडियम यानी स्टेडियम, पूरे स्टेडियम में पोडियम ही पोडियम, मंच मंच, यहाँ पे भी एक मंच दे रखा है, यहाँ पे मंच मंच वही बोलते हैं जो, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते, तो स्टेज पे, उस पे मंच पे हम कोई भी स्पीच दे देते, वही होता है हमारा मंच। तो पूरे स्टेडियम में, हम किसी के स्टेडियम में गए, उस स्टेडियम में क्या था, पूरे पोडियम पोडियम लगे होते, तो उस स्टेडियम में सारे पोडियम ही हैं, यानी पूरे मंच हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्लंडर, इट मीन्स लूट पार्ट, पैलेस, पहले अंदर किया फिर सब कुछ लूट लिया। तब प्लंडर को कैसे याद रखोगे, अंदर, जैसे हमारे घर में या किसी घर में चोर आ जाता है तो वो क्या करते हैं, एक रूम में सभी को बंद कर देते हैं, अंदर कर देते हैं और फिर सारा माल जो कि लूटपाट करके ले जाते हैं। तो अब प्लंडर को वैसे याद करोगे, तो पहले तो किया हमें अंदर और फिर कर दिया प्लंडर, यानी सारा कुछ लूटपाट के ले गए। नेक्स्ट वन देखते हैं पेरूस। पेरूस का मतलब होता है ध्यानपूर्वक पढ़ना, दैट इज एग्जामिन करना, प्रत्येक यूज़ के पहले उसके इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्ण पढ़ें। तो पर यूज़ को आपने बनाया, यहाँ से आपने यूज़ लिया, यहाँ से यानी पहले, तो यूज़ यानी पहले से, यूज़ करने से पहले क्या करें, उसका पर यूज़ करें, यानी पहले उसका एग्जामिन कर लें, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें। जैसे कोई भी आप मेडिसिन ले रहे हो तो आज उसको पहले आप यूज़ करने से पहले देख लें कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, तो पहले से उस चीज़ को ध्यानपूर्वक जो भी इंस्ट्रक्शन उस पर दिए उसको पहले पढ़ लें। तो पर यूज़ का मतलब है पहले यूज़ करने से पहले आप क्या करें, उसके सारे इंस्ट्रक्शन ध्यानपूर्वक पढ़ लें। नेक्स्ट वन इज़ परज्यूरी। परज्यूरी का मतलब होता है झूठी गवाही या अपराध, जिसको हम बोलते हैं गिविंग फॉल्स टेस्टिमोनी। ओके, परज्यूरी के सामने आपने झूठ बोलने का अपराध किया है। तो परज्यूरी के आप किसे याद रखोगे, ज्यूरी से आप याद रख सकते हो। ज्यूरी कौन होता है, आप जानते हो, न्यायाधीश होता है, उसको हम ज्यूरी बोलते हैं। तो ज्यूरी के सामने उसने क्या किया, उसने परज्यूरी किया, परज्यूरी मतलब झूठी गवाही दी, तो उसने ज्यूरी के सामने परज्यूरी यानी झूठी गवाही दी। अब देखते हैं इलेवंथ वर्ड। इलेवंथ है हमारा गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करता है, जिसको हम लोकेशियस भी बोलते हैं। गैर मर्दों से बात करने वाले गैरुलस होते हैं। चाहे आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी से ही बात करने लग जाते हैं, जानते हैं, जैसे कि हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो आपने देखा होगा लेडीज़ एक दूसरे को जानती नहीं है लेकिन बात करना शुरू कर देती, तो गैरों से जो बात करना शुरू कर दे वो क्या होगा, वो बहुत ही बड़ा गैरुलस होगा, बहुत ही बड़ा बातूनी होगा। लेडीज़ ज़्यादातर बहुत बातूनी होती हैं, ट्रेन में मेरे साथ कई बार हुआ है ऐसा, इसलिए बता रही हूँ आपको। रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है राहत, रिलीफ। रेस पीते पीते गुजर गया जिससे बड़ी राहत मिली। तो हम रेस लगा रहे थे, रेस में क्या किया, हमने एक बार पानी पिया, हमने रेस पूरी कैसे कंप्लीट की, पानी पीते पीते, तो रेस पीते पीते गुजरा इससे हमें क्या मिला, राहत मिली, यानी रेस्पाइट मिला। तो रेस हमने कैसे पीते पीते, रेस पीते पीते मैंने गुजारी जिससे मुझे मिला रेस्पाइट, यानी मुझे राहत मिलती रही, वरना मैं यहाँ तक आते आते बहुत ज़्यादा थक जाता। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नेसेंट। प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में, दैट इज इंसिपिएंट जिसको हम बोलते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में नए से लगते हैं सब, तो नेसेंट का प्यार कैसे रखोगे, नए से, तो नए से नए से नए से, तो प्रारंभिक अवस्था में सब, जैसे आप कहीं भी किसी कॉलेज में जाते हो या फिर कहीं जाते हो तो प्रारंभ में आपको सब अपने दोस्त बनाते हो, बाद में तो स्टार्टिंग में आप सभी को क्या लगता है, सब नए नए लगते हैं, लेकिन बाद में सब हमारे साथ घुल मिल जाते हैं, तो वो नए से लगते हैं। कब लगते हैं, अब से वो प्रारंभिक यानी नेसेंट में, यानी प्रारंभिक अवस्था में वो हमें नए से लगते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इंसेंस। इंसेंस का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, इन्फ्यूरिएट करना, गुस्सा दिलाना या फिर इन्फ्यूरिएट करना। वो हमेशा बात करता है नॉनसेंस, इसलिए मैं हो जाता हूँ
इनसेंस। मेरा एक दोस्त है वो हमेशा क्या बात करता है, वो बहुत ही नॉनसेंस बात करता है, या मेरी कोई फ्रेंड है वो हमेशा एक नॉनसेंस बात करती रहती है, तो मैं मुझे क्या करती है, मुझे इनसेंस करती है, मुझे बात बात पे गुस्सा दिलाती है, क्योंकि अगर वो नॉनसेंस बात करेगी, नॉनसेंस मतलब बेकार बात करेगी, तो मुझे क्या होगा, मुझे गुस्सा आएगा। तो जो बात करते हैं नॉनसेंस वो मुझे दिलाते हैं इनसेंस, यानी जो मुझे गुस्सा दिलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इसोटेरिक गुण, मिस्टीरियस यानी गुप्त जिसको हम बोलते हैं। ऐसी तेरी कोट कैसे बनता है, यह मिस्टीरियस है। अच्छा, ऐसी तेरी कोट, ये हमारा बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक ऐसी तेरी कोट आता है हमारा, तो वो कैसे बनता है, ये एक बहुत ही रहस्यमय बात है, बहुत ही मिस्टीरियस बात है, हमको पता नहीं है। जो ऐसी तेरी कोट होता है वो कैसे बनाया जाता है, हमें नहीं पता वो कोट कैसे बनाया जाता है। तो अपने एसोटेरिक से क्या बनाया है, तो जो एसोटेरिक कोट होता है वो कैसे बनता है, ये एक बात एस्टोटेरिक है, यानी एक गुप्त बात है हमें, जिसके बारे में कुछ नहीं पता। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कॉपियस, बहुत, प्रचुर, दैट इज़ प्रोफोस, यानी ज़्यादा मात्रा में होना। कॉपी कलम का ढेर लगा लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कॉपी को आप याद रख लो कॉफ़ी से, जो कॉफ़ी पीने वाली कॉफ़ी होती है उसकी। तो मैं कॉफ़ी कितना पीता हूँ, मैं कॉफ़ी कॉपियस मात्रा में पीता हूँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे मैं सुबह भी कॉफ़ी पीती हूँ, दिन में भी कॉफ़ी पीती हूँ, शाम को भी कॉफ़ी पीती हूँ, रात को भी कॉफ़ी पीती हूँ। जो मैं कॉफ़ी पीती हूँ वो बहुत ही कॉपियस मात्रा में, यानी बहुत ही प्रचुर मात्रा में मैं पीती हूँ कॉफ़ी। नेक्स्ट वन इज़ सेलिब्रेट, ब्रह्मचारी, चेस्ट जिसको हम बोलते हैं। वो मेरी साले से बात नहीं करता क्योंकि वह ब्रह्मचारी है। तो वो क्या है, वो मेरी साली से बात नहीं करता, क्यों, क्योंकि वो सेलिब्रेट है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी है, इसलिए वो लड़कियों से बात नहीं करता, या फिर मेरी साली से बात वो नहीं करता है। नेक्स्ट वन इज़ सब्जुगेट, वश में करना, परास्त करना, वैंक्यूश करना, यानी किसी को अपने वश में कर लेना, या फिर किसी को परास्त कर देना, यानी किसी को हरा देना, उसी को हम बोलते हैं सब्जुगेट। सब झुकेंगे मेरे गेट के सामने क्योंकि मैं उन्हें परास्त करूँगा। तो आपने कैसे याद किया कि सब्जुगेट को सब जुगेट यानी झुकेंगे मेरे गेट के सामने, तो सब झुकेंगे मेरे गेट के सामने क्योंकि मैं सबको सब्जुगेट कर दूंगा, सबको मैं परास्त कर दूंगा। ओके, जैसे मैं आपको ये सब पढ़ा रही हूँ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, उसी तरह मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेज पढ़ा रही हूँ। तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके वीडियो ज़रूर देखिए। आप सोचिए सारी वीडियो जैसे मैं यूट्यूब पे डालती हूँ वैसे ही मैं अपनी वीडियोज़ वहाँ पे भी डाल रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जाइए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, बहुत मेहनत से सारी वीडियोज़ बना रही हूँ, वहाँ पे मेरे हैंड नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने हाथ से सब कुछ लिख रही हूँ। तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाइए, वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, और आपको कोई भी फी भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री है सब कुछ वहाँ पे। तो आप जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी आप लोगों को दिया हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ सरमाउंट, सरमाउंट का मतलब होता है पार करना, ऊपर आना, चोटी पर चढ़ना, यानी चोटी पर चढ़ना उसको हम बोलते हैं सरमाउंट। टू ओवरकम या फिर टू माउंट, इसका मतलब भी होता है ऊपर चढ़ जाना या फिर चोटी पर चढ़ जाना। तो इसकी ट्रिक देखते हैं, सर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना आसान है। तो आपने कैसे याद किया कि सर माउंट, सर माउंट को आपने कैसे, सर यानी जो हमारे टीचर होते हैं उसको सर माउंट यानी माउंट एवरेस्ट, तो हम बोल रहे हैं सर माउंट एवरेस्ट की चोटी पढ़ना क्या सरमाउंट है क्या, मतलब कि आसान है क्या। तो सरमाउंट को आप कैसे याद रखोगे यहाँ से, सर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना आसान है क्या। तो सर माउंट से आप याद रखना कि सर माउंट का मतलब होता है चोटी, चोटी पर चढ़ना या फिर ऊपर जाना। नेक्स्ट देखते हैं, मैराडोर मतलब लुटेरा, पेकेनियर या फिर डेस्पेराडो, तो इसको हम याद रखेंगे मर्डर से। जो मर्डरर होते हैं मतलब जो किसी का खून करते हैं वो हमारे मर्डरर होते हैं। जो मर्डरर होते हैं मर्डरर को ही मर्डर कहते हैं। तो जो हमारे मर्डरर होते हैं जो मारते हैं वो ही क्या होते हैं, मैराडोर भी होते हैं, यानी वो लुटेरे भी होते हैं, वो किसी का खून कर सकते हैं तो वो सामान को लूटते भी हैं। तो आप याद रखना जो मर्डरर होता है उसको मैराडोर भी कहते हैं, लुटेरे भी कहते हैं। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो ये है इसका पहला प्रैक्टिस सेट वन बेस्ड ऑन सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स। तो सबसे पहला वर्ड है इगैलिटेरियन मतलब समानतावाद, डेमोक्रेट, तो इसका कौन सा होगा, इसका हो जाएगा डेमोक्रेट एरा जे। रेंट यानी चिल्लाना, तो इसका हो जाएगा येल, येल का मतलब भी होता है चिल्लाना। पल्क्रिट्यूड, पल्क्रिट्यूड मतलब शारीरिक सुंदरता, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका होगा कमलीनेस का मतलब भी होता है सुंदरता। नेक्स्ट वन इज़ कैलमी यानी कालू की मम्मी क्या करती है, मेरी कैलमी यानी मेरी निंदा करती है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका होगा फोर्थ वाले का सी, स्लेंडर,
स्लैंडर का मतलब भी होता है निंदा। पॉस्ट्यूमस, पॉस्ट्यूमस मत का मतलब है आफ्टर डेथ, तो इसका कौन सा होगा, इसका होगा आई थिंक हाँ पोस्टमार्टम। एंड प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस मतलब असंगत, बेतुका, बेढंग का, तो इसका हो जाएगा एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब भी होता है बेतुका या फिर बेढंग का। पोडियम यानी मंच, तो इसका हो जाएगा रोस्ट्रम, रोस्ट्रम मतलब मंच। प्लंडर, प्लंडर मतलब लूटपाट, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा पायलेज, पायलेज का मतलब भी होता है लूटपाट। पेरियूज, पेरियूज का मतलब होता है ध्यानपूर्वक पढ़ना, एग्जामिन करना चीज़ों को, तो इसका हो जाएगा, इसका कौन सा होगा, इसका होगा इसका आई थिंक स्क्रूटिनाइज होगा, इसका मतलब भी होता है जाँचना। नेक्स्ट वन इज़ परज्यूरी, परज्यूरी का झूठी गवाही देना, तो इसका कौन सा जाएगा, कौन सा बचा हुआ है इसमें, एक ही बचा हुआ है इसका मैंडेसिटी, तो इसका मैंडेसिटी हो जाएगा। देखते प्रैक्टिस सेट टू। ओके गैरुलस, गैरुलस मतलब बातूनी, तो इसका हो जाएगा लोकेशियस यानी आई। रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब रिलीफ, राहत, तो इसका हो जाएगा रिलीफ ए। एंड नेसेंट, नेसेंट मतलब इंसिपिएंट यानी प्रारंभिक अवस्था में, तो इसका हो जाएगा इंसिपिएंट ई। इंसेंस, इंसेंस का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, तो इसका कौन सा होगा, इसका हो जाएगा इन्फ्यूरिएट करना, इन्फ्यूरिएट का मतलब गुस्सा दिलाना। एंड एसोटेरिक, एसोटेरिक मतलब गुप्त, मिस्टीरियस, तो इसका आई थिंक इसका होगा आर्केन, आर्केन का मतलब भी होता है गुप्त। कॉपियस, कॉपियस मतलब प्रचुर, ज़्यादा मात्रा में, प्रोफ्यूज जिसको हम बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब भी होता है प्रचुर। सेलिब्रेट यानी ब्रह्मचारी, तो इसका हो जाएगा चेस्ट। एंड सब्जुगेट यानी, सब्जुगेट का मतलब होता है वश में करना, किसी को परास्त करना, तो इसका हो जाएगा वैंक्यूस, वैंक्यूस मतलब परास्त करना। सरमाउंट मतलब पार करना, ऊपर चढ़ना, चोटी के ऊपर चढ़ना, तो इसका हो जाएगा सरपास। मर्डर मतलब कि लूटपाट, लुटेरा जिसको हम बोलते हैं, लूटपाट करने वाला, तो इसका कौन सा बचा हुआ है, डेस्पेराडो, ये हो जाएगा इसका। अब देखते हैं इसके एंटोनियम्स। क्लमनी, क्लमनी का मतलब मैंने कहा है निंदा, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा एकोलेड यानी प्रशंसा। एंड प्रीपोस्चर यानी बेतुका, तो इसका हो जाएगा रेशनल, क्योंकि रेशनल का मतलब होता है समझदार, हो जो तर्कसंगत हो उसको हम बोलते हैं रेशनल। एंड पेरियूज, पेरियूज यानी ध्यानपूर्वक पढ़ना, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा पेरियूज का होगा इसका ओवरलुक होगा, यानी ओवरलुक का मतलब होता है सावधानी से, तो ये हो जाएगा। परज्यूरी मतलब झूठी गवाही देना, तो इसका हो जाएगा वेरेसिटी, वेरेसिटी हो जाएगा, वेरेसिटी का मतलब होता है सच्चाई। एंड नेक्स्ट वन गैरुलस यानी बातनी, तो इसका आ जाएगा टेसिटर्न यानी जो कम बोलने वाला हो, चुप रहने वाला हो। इंसेंस, इंसेंस का मतलब क्या होता है, गुस्सा दिलाना, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लेसेट, प्लेसेट हाँ प्लेसेट का मतलब होता है मनाना या फिर शांत करना। एस्टोरिक, एस्टोरिक का मतलब होता है मिस्टीरियस यानी गुप्त, तो इसका हो जाएगा डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट यानी स्पष्ट साफ। कॉपियस यानी प्रचुर, तो इसका हो जाएगा स्कैंटी यानी जे। सब्जुगेट, सब्जुगेट का मतलब क्या होता है, यानी वश में करना, परास्त करना, तो इसका हो जाएगा कौन सा होगा, इसका लिबरेट यानी फ्री कर देना। सरमाउंट यानी पार करना, ऊपर चढ़ना, तो इसका कौन सा बचा हुआ है, कॉलेप्स, तो इसका कॉलेप्स हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 20 वर्ड्स। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अनअकैडमी पे जाकर मुझे प्लीज़ फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी जाकर एडियम्स फेस करिए, ऐसे ही मैं वहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, बिल्कुल फ्री है, कुछ भी पे नहीं करना है। तो थैंक यू सो मच।